सो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफ डब्ल्यू रिएक्ट। मेरा नाम है फरहान। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन मुनव्वर फारूकीज स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो, और उस वीडियो का टाइटल होने वाला है गुजराती मुस्लिम्स एंड ग्लोबल वार्मिंग स्टैंड अप कॉमेडी बाय मुनव्वर फारूकी। सो बिना किसी देरी वीडियो शुरू करते हैं, और बहुत और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो जब स्टार्ट होती है जो बच्चा है बहुत मस्त लगता है। गुजराती मुस्लिम एंड ग्लोबल वार्मिंग स्टैंड अप कॉमेडी बाय मुनव्वर फारूकी। ओरिजिनल वीडियो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियोस नॉन म्यूजिक आपने आप सुनते नहीं हो, बट आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। देखो मुझे गुजराती लोग तो बहुत पसंद है, बट मुझे लगता है गुजराती म्यूजिक जो है वो लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बना है। आप देखो हर गुजराती गाना ना ऐसे ही शुरू होता है, तारी। बहुत हार्ड भाई। हर गाना एक गाना है, बहुत ब्यूटीफुल लिरिक्स है। मैं हिंदी में पहले बताता हूँ, मेरी डाल पे मोर बैठा है, क्या कह रहा है। क्या सुनने में ऐसा कोयल जैसा लगा, हालांकि मोर बैठा है बट सुनने में कितना मधुर लग रहा है, प्यारे लिरिक्स। और अब गुजराती में ये गाना पता है कैसे है, मारे टोडले बैठो रे मोर का। पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तुम्हें लग रहा है मोर कहाँ बैठा है? मोर का तो आता पता नहीं। I love Gujarati and I love Gujarati people mostly. The reason मैं उन लोगों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, मेरे सारे दोस्त हम भी गुजराती हैं, मैं भी गुजरात से हूँ। और मुझे पसंद ये चीज़ थी, मुझे पसंद ये चीज़ थी इनकी कि काफ़ी शांत स्वभाव था। लाइक मैं मेरा एकदम नेचर अगर एकदम शांत रहा होगा ना बचपन में, तो मेरे गुजराती दोस्तों की वजह से, मतलब किसी के साथ धक्का भी लग जाता अपन बोलता है ये तो मेरा गुजराती तो पकड़ लेता था, ये चाल है ना। सो स्वीट जवा दे, कुछ भी होता है ना बोले ना होए ना होए, वो मानेगा नहीं ना होए, तो तेरी बहन भाग गई ना होए। नहीं मानता है। वाह गॉड, नहीं मानते। और मुझे ये भी लगता है कि काफी स्वीट होते, काफी स्वीट। अब मुझे ऐसा लगता था कि ये स्वीट इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, तो मेरा एक थ्योरी था। आप लोगों को पता है गुजराती लोग अपने खाने में शक्कर डालते हैं, दाल में, कड़ी में, हर चीज में, हर चीज में शक्कर डालते हैं। मेरे को नहीं पता था, मैं छोटा था, मेरा एक दोस्त है भूरा भूरा। इट्स सो फनी भाई, हर जो जो चीज बोल रहे हर चीज में मेरे को फनी कांसेप्ट है। तो फिर बीच में भूरे की कहानी सुनाई देता हूं, ठीक है चलो। तो भूरा मेरे को, मेरा दोस्त है, मेरे को उसके घर पे मैं खेलने गया था, छोटा सा था मैं। तो उसकी माँ ने बोला बेटा जमीन है जजे, बेटा खाना जमीन है जजे, खाना अपनी कमजोरी है, ठीक है जम खाना सबकी कमजोरी है, बताओ कहाँ है। मैं समझ गया खाना खाने बोल रही, तो मैं बैठ गया, खाना आया, भूरे का बाप बैठा है बाजू में, और किचन में आवाज लगाया दक्षा दाल में खांड ओछी छे, दाल में खांड ओछी छे, दक्षा दाल में शक्कर कम है। आई वाज लाइक दाल में शक्कर है कम है मतलब है, और ये शक्कर को खांड बोलते हैं। ये खांड कितना वियर्ड वाला है, उसमें से अगर एक अल्फाबेट निकाल दो। यही मैं सोच रहा था दोस्तों, डी निकाल देंगे तो वो खान हो जाएगा। गंदी सोच, तुम लोग सब नीच। गंदी सोच। सब लोग जज कर रहे कितना गंदा हूं मैं। सच में ना दो लोग दोस्त बात करेंगे, यार शिट यार अपन कितने गंदे यार, मैंने सोचा वो बोल भी दिया तो बोल रहा है ओ तो तेरे से ज्यादा गंदा मैं हूं। अब बैठे हुए खाना, तो मैं बोला अभी अपने को नहीं जमता है, अपने को आदत नहीं है बचपन से स्पाइसी खाने की आदत, मुस्लिम फैमिलीज में स्पाइसी खाना बनता है, आप लोग सब पता है। मीठी दाल कौन खाया? तो वहां पे थी मिर्ची, आई वाज लाइक बैलेंस करते मिर्ची मिर्ची खा गए, मैंने मिर्ची उठाई खाई।
अब वो थी भरेला मिर्च, उसमें भी चीनी होगी। आई टेल यू व्हाट भरेला मिर्च इज, मिर्ची रहती है उसको काटते उसके अंदर बेसन डालते, बेसन के अंदर शक्कर वो मिर्ची उसमें है, भी शक्कर डाल दिया, वो बनी है तीखा खाने के वास्ते, उसमें भी शक्कर डाल दिया। मैं बोला ये अपने से नहीं होएगा भाई, अपने को नहीं आदत बचपन से स्पाइसी खाने के, मुस्लिम लोग है यार हम लोग, वेडिंग में भी ऐसा फोटो लेने के टाइम पे चीज की जगह बीफ बोलते दाल निकाल। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे सब लोग नहीं आ रहे, अरे तो इतने बच्चे नहीं। I think यही रीजन है, यही थ्योरी है मेरा कि गुजराती लोग शक्कर इतना खाते ना इसलिए स्वीट है। और सही में गुजराती लोग, आप लोगों को लगता है बहुत स्वीट होते, मेरा तो ये तक का थ्योरी है कि अगर हिटलर, हिटलर को सब जानते, अगर हिटलर गुजराती होता तो वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता मेरे, नहीं सही में आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है, नहीं सही में मेरे पास थ्योरी है पूरा, उसका नाम हितेश होता। हितेश हिटलर का नाम हितेश उसका हिटलर जैसा मूछी था जेठालाल गुजराती हो। हिटलर का साइन पता है क्या था, ऐसा हेल हिटलर, इसका क्या रहता हितेश का रोकड़ा। बढ़िया बढ़िया आदमी होता हितेश। हॉलोकॉस्ट के बारे में पता है आप लोगों, जिसको नहीं पता हॉलोकॉस्ट के बारे में हाथ ऊपर बता दो, आपको आपको कोई को नहीं पता, ठीक है हॉलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता मैं बताता हूँ। हॉलोकॉस्ट जूइश लोगों को हिटलर ने गैस चैम्बर्स जमा किया था, उसमें भड़काव करके मार डाला था, ठीक है। हितेश होता तो हॉलोकॉस्ट नहीं होता, हालो हालो कॉस्ट होता, हालो हालो वहाँ पे लगे हुए होते खाने के काउंटर, सब में चीनी होती, ढोकले के काउंटर्स खाखरे, चाइनीज लोग आ रहे चॉपस्टिक लेके बोले ये डांडिया चे लाओ। जूइश लोग को हितेश इतना ढोकला खिलाता उन लोग गैस से मर जाते। और हिटलर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हिटलर वाज अ प्योर वेजिटेरियन एनिमल लवर, पता है आप लोग, ही वाज प्योर वेजिटेरियन एनिमल लवर, दैट्स अ फकिंग गुजराती थिंग। वो खुद का रेस्टोरेंट खोल सकता था स्वस्तिक प्योर वेज। ये जोक मैं आईक्यू टेस्ट करने के लिए करता हूँ लोग। सर जीरो। सो वीडियो हम यहीं तक देखते हैं, और बाकी अगर आपको और भी ज़्यादा रिएक्शन चाहिए मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप कॉमेडी पर तो ज़रूर से कमेंट बता देना। जैसा कि इस वीडियो में मुनव्वर फारूकी ने बताया कि हम जो मुसलमान जो होते हैं वो ज़्यादातर स्पाइसी खाना ज़्यादा खाते हैं, और जो अब गुजराती लोग जो होते हैं वो हर चीज़ खाने में मीठा मिलाते हैं, हर चीज़ चाहे वो मिर्ची क्यों ना हो, जैसा कि इन्होंने बताया अभी इस वीडियो में। सो काफ़ी फ़नी भी था जो बताने का स्टाइल रहता है भाई, आफ्टर ऑल इज़ अ कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, तो वो अपने तरीके से बताएंगे फ़नी तरीके से। वीडियो की स्टार्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी जिसमें मुनव्वर फारूकी ने कहा था कि गुजराती सॉन्ग जो होते हैं कितने अजीब से होते हैं सुनने में भी आदमी को हंसी आ जाए, तो वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी लाइन जो मुनव्वर फारूकी ने बोला था। सो अगर आपको और भी ज़्यादा रिएक्शन वीडियो चाहिए मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप कॉमेडी पर तो आप जबरदस्त कमेंट बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं अभी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।